जय माता दी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कल से यानी कि 7 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होने वाले हैं, तो मैंने पिछला वीडियो आपको दिया था जिसमें घट स्थापना किस प्रकार से की जाती है, सारी विधि आपको स्टेप बाय स्टेप बताई थी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुल कितने मुहूर्त और चौघड़ियाँ हैं जिसपे आप कलश की स्थापना कर सकते हो। तो पहले मैं आपको मुहूर्त बता देता हूँ, क्योंकि मुहूर्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं चौघड़िया से। तो मुहूर्त जो रहेगा वो पहला मुहूर्त तो है 6:17 से 7:07, ये सुबह का मुहूर्त है और यही सबसे अच्छा मुहूर्त है। वैसे तो सभी मुहूर्त अच्छे होते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा मुहूर्त है 6:17 सुबह से 7:07 सुबह, यानी ये जो टाइम है ये सबसे अच्छा टाइम रहेगा कलश स्थापना या घट स्थापना करने के लिए। दूसरा मुहूर्त जो है वो है 11:52 दोपहर 11:52 से 12:38, ये अभिजीत मुहूर्त है और ये भी बहुत ही उत्तम मुहूर्त कहलाता है। तो इन दोनों मुहूर्त में आपको कलश की स्थापना कर लेनी चाहिए। मान लीजिए कि इन दोनों टाइम पर आपको समय नहीं मिलता है तो आप क्या करें, तो फिर मैं कुछ आपको चौघड़िया बता देता हूँ जिस पर भी आप घट की स्थापना कर सकते हो। तो जो पहला चौघड़िया है शुभ का चौघड़िया है और वो सुबह 6 से 7:30 तक रहेगा, इसमें आप कर सकते हो। दूसरा लाभ का चौघड़िया है जो दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक का चौघड़िया है, इसमें भी आप घट की स्थापना कर सकते हो। तीसरा अमृत का चौघड़िया है जो 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा, दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक का जो चौघड़िया है वो अमृत का चौघड़िया है। और लास्ट में जो शुभ का चौघड़िया है वो 4:30 बजे शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। ये 4 चौघड़े ऐसे हैं जो शुभ चौघड़े हैं, अच्छे चौघड़े हैं, जिन पर भी आप अपने घट की स्थापना कर सकते हो, लेकिन अगर मुहूर्त में करें तो ज़्यादा अच्छा है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।